जय हिंद नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हर काम देश के नाम रक्षा लेखा महानियंत्रक उलन बटा रोड पालम दिल्ली छावनी ने 20 मई 2024 को एक पत्र जारी किया है और ये पत्र जुड़ा हुआ है स्पर्श सर्विस सेंटर्स और डीपीडीओ से दोस्तों स्पर्श के आने से पहले पेंशनर्स की पेंशन डी और सी के जरिए जारी की जाती थी और सी और डी से ये पेंशन स्पर्श में अब मर्ज कर दी गई है यानी पहले जो डी और सी के पेंशनर थे वो अब स्पर्श के पेंशनर बन चुके हैं अब इसके बाद जब डी से पेंशन स्पर्श में चली गई तो फिर डी का काम क्या वहाँ पे जो डबल एस ए जो काम कर रहे हैं साथ ही साथ जो एल डी काम कर रहे हैं उनके लिए कोई काम बचा ही नहीं तो इसी को लेकर और साथ ही साथ जो डिफेंस पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर इस पर्ष की समस्याओं को लेकर सी जी डी ने यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने 20 मई 24 को एक लेटर सभी पी और सी को जारी कर दिया कहा जो डी में स्टाफ बैठा है वो अब खाली नहीं बैठा रहेगा वो इस सर्विस सेंटर के तौर पे काम करेंगे और डिफेंस पेंशनर्स की समस्याओं को दूर करेंगे यानी जो डीपीडीओ थे उनका रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया गया है और अब वो इसपर्स के सर्विस सेंटर के तौर पे काम करेंगे और उनके लिए टास्क भी जारी कर दिया है कि वो कौन कौन सा काम करेंगे आइए समझते हैं इस लेटर को इसका सब्जेक्ट है री स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पर सर्विस सेंटर्स फंक्शनिंग एट डी पी डी ओज चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल देखिए सुपरसीडिंग द हेडक्वाटर्स प्रीवियस लेटर एक लेटर जारी किया गया, गया ग्यारह जनवरी दो हज़ार चौबीस को फिर एक और लेटर जारी किया गया ग्यारह जनवरी चौबीस को साथ ही साथ एक लेटर जारी किया गया इकतीस जनवरी चौबीस को इन तीनों लेटर को सुपरसीड कर दिया गया है इट इज इंटीमेटेड डेट विद द माइग्रेशन ऑफ पेंशनर्स बोर्न ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिसर्स डी पी डी ओज ऑफिस टू स्पर्स मॉड्यूल, द रोल ऑफ डी पी डी ओज इज नो रेस्ट्रिक्टेड टू स्पर्स सर्विस सेंटर्स फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू पेंशनर्स एंड टू एड्रेस दियर ग्रवांसेस यानी डीपीडीओ के जितने पेंशनर्स थे उनका माइग्रेशन अब स्पर्श में हो चुका है इसलिए डीपीडीओ के काम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उनको अब सर्विस सेंटर का रोल दे दिया है यानी अब ये स्पर्श सर्विस सेंटर के तौर पर काम करेंगे जो कि डिफेंस पेंशनर्स की को सेवाएँ देंगे साथ ही साथ उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करेंगे आफ्टर ड्यू रिव्यू द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग री स्ट्रक्चरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल ऑफ सिक्सटी फोर इस्पर सर्विस सेंटर्स फंक्शनिंग एट वेरियस डी पी डी ओज अंडर सी डी ए मेरट एंड सी डी एच चेन्नई अलॉन्ग विथ द फॉलोइंग डायरेक्शंस यानी मेरट के अंडर फिफ्टी वन जो डी पी डी ओ और सी डी ए चेन्नई के अंडर तेरह डी पी डी ओ अब इस्पर सर्विस सेंटर के तौर पर काम करेंगे अब इनका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा और उनके लिए डायरेक्शन है वो क्या है वो आप यहाँ पे देखिए द डी पी डी ओज आर हैं स्पोर्थ री डेजिग्नेटेड एज स्पर्स सर्विस सेंटर्स जो 64 फोर डी पी डी थे अब वो उनका नाम स्पर्स सर्विस सेंटर हो चुका है द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल ऑफ ईच स्पर्स सर्विस सेंटर आर ट्रांसफर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द नियरेस्ट प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर एज अपेंडेड इन अनेक्सर ए एक लिस्ट है जिसमें 64 फोर डी के नाम हैं जिनको अब इस पर सर्विस सेंटर बनाया गया है और उनको किस प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंडर काम करना है उसकी जानकारी दी हुई है पी सी डी ए सी डी ए विल ओपन ए डेडिकेटेड पेंशन कोऑर्डिनेशन सेल अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव विंग टू सुपरवाइज द फंक्शनल कंट्रोल ऑफ इस पर सर्विस सेंटर्स अंडर देम यानी जो पीसीडीए और सीडीए है वो अपने ऑफिस में एक पेंशन कोऑर्डिनेशन सेल बनाएंगे जो कि इन इस पर सर्विस सेंटर्स के ऊपर नज़र रखेगी इनसे काम करवाएगी रेगुलर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म पीरियडिक इंस्पेक्शन में भी इवोल्ड टू इफेक्टिवली मोनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पर सर्विस सेंटर्स यानी एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा और समय समय पर इन इस पर सर्विस सेंटर्स का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा कि कहीं पे वहाँ कोई स्टाफ जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और पूरी इसकी फंक्शनलिटी को चेक किया जाएगा अब इससे पहले जो डीपीडीओ के पास में फिजिकल और सॉफ्ट रिकॉर्ड है जो फाइल्स हैं वो अगले आदेश तक इन इस पर सर्विस सेंटर द्वारा मेंटेन किया जाएगा द अथोराइज स्ट्रेंथ ऑफ मैन एट ईच सर्विस सेंटर्स इज़ टू बी वन सीनियर अकाउंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर विथ ए मैक्सिमम ऑफ टू ऑडिटर्स और सीनियर ऑडिटर्स और इनके साथ इनको सुपरवाइज करने के लिए एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होगा पेमेंट ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेवन थाउजेंड एटी फाइव पेंशनर्स हुर स्टिल बींग पेड बाई डी पी डी ओस एंड नोट येट माइग्रेटेड टू स्पर्स विल बी सेंट्रली इंटरेस्टेड टू आश्रिया टीम एट सेंट्राड दिल्ली दोस्तों अभी तक ग्यारह हज़ार पिचासी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन अभी इस पर्श में हुआ नहीं है और वो पेंशन डीपीडीओ से ले रहे हैं तो अब डीपीडीओ की बजाय इनका पूरा डाटा आश्रिया टीम को हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा और उसके द्वारा आगे इनको पेंशन तब तक दी जाएगी जब तक इनका माइग्रेशन इस में नहीं हो जाता और ये जो नियम अभी इस लेटर के ज़रिए जारी किए गए हैं वो एक जून दो से लागू हो जाएंगे साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो पार्ट वन ऑर्डर है वो रेस्पेक्टिव पीसीडी और सीडीए द्वारा पब्लिश किया जाएगा और उसकी एक कॉपी जो सीजीडीए को भेजी जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार बदलाव हो रहा है और समय के अनुसार बदलाव की ज़रूरत भी है जब इस पर लेके आएंगे तो स्पर्श का काम करवाने के लिए पेंशनर्स को ये मालूम नहीं कि कौन सी ऑफिस है जो स्पर्श से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेगी तो अब धीरे धीरे स्पर्श के सर्विस सेंटर्स बढ़ रहे हैं और जो डी की जहाँ ऑफिस थी जहाँ से पेंशनर पेंशन ले रहे थे उनको अब इसपर्स के सर्विस सेंटर्स में बदला जा चुका है तो आगे मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा जो 64 फोर डी थे जो अब इस पर्स के सर्विस सेंटर बन चुके हैं देखिए ये लिस्ट है डी पी डी ओ डी पी डी ओ रेड फोर्ट वन डी पी डी ओ रेड फोर्ट टू डी पी डी ओ ब्राड स्क्वायर डी पी डी ओ अम्बाला डी पी डी ओ भिवानी डी पी डी ओ गुड़गांव डी पी डी ओ हिसार जज्जर करनाल नारनोल रेवाड़ी रोहतक सोनीपत हमीरपुर धर्मशाला पालमपुर योल मंडी शिमला ऊना ए आर जम्मू एस एन जम्मू ले, राजौरी श्रीनगर उधमपुर बेंगलोर अरनाकुलम, कन्नौर कोलाम कोटायम पाथनाम थटा त्रिशूर त्रिवेंद्रम अमृतसर बटिंडा, चंडीगढ़ फिरोजपुर बटाला गुरदासपुर दसुईया होशियारपुर जालंधर कपूरथला जगरां लुधियाना मोगा पठानकोट पटियाला रोपड़ संगरूर जयपुर झुंझुनू चेन्नई वेल्लोर हैदराबाद सिकंदराबाद प्रयागराज गोरखपुर कानपुर मेरठ देहरादून और कोलकाता ये जो 64 फोर है वो अब इस पर्स के सर्विस सेंटर के तौर पे काम करेंगे दोस्तों आप इनके आसपास कहीं रह रहे हैं तो आगे फ्यूचर में यदि आपको इस पर जुड़ी हुई कोई समस्या है या समाधान चाहिए या फिर कोई दूसरा काम करवाना हो तो आप इन इस पर सर्विस सेंटर में जाके इस परस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करवा सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के लिंक में होते हैं और इनको इस पर्स का एक्सेस दिया रहता है इस पर सॉफ्टवेयर पर यह डायरेक्टली काम कर सकते हैं तो सुविधाएँ अब इस पर्स की बढ़ती हुई जा रही है और इस प्रकार ये एक अच्छा कदम उठाया है कि डीपीडीओ जैसे ही बंद हुए उन सभी डीपीओ डीपीडीओ को स्पर्श के सर्विस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है ये सब डिफेंस पेंशनर्स की सुविधा के लिए किया गया है और इस प्रकार ये जो कदम उठाया गया है सी का इसका हम स्वागत करते हैं आगे भी इस प्रकार के स्पर्श के सर्विस सेंटर जिसमें डबल या एस साथ ही साथ ऑडिटर्स हो जो पेंशन के मामलों को अच्छी तरीके से जानते हो उनको नियुक्त किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श के सर्विस सेंटर खोले जाएँ ताकि हर एक पेंशनर के दस किलोमीटर में ऐसा एक डेडिकेटेड स्पर्श का सर्विस सेंटर हो जहाँ पे वो पेंशनर जाके अपना काम करवा सकता है तो ये थी जानकारी है दोस्तों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम